अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूद आपसे 27 अप्रैल का 3 मई 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने आ जाए और इस हिस्से की इब्तदा करनी है ग्रुप 57 से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 1 मई को मुश्तरी से 35 बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी खुद इतमादी बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो यकीनन आपकी सोच जो है वो खासी पॉजिटिव भी होगी और उसके बाद जो है वो खासी तामीरी भी होगी। आप उसमें से कुछ फवायद के रसूल के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, तो ये सोच आपकी जो फायदे में जाएगी। 2 मई को कमर और जोहरा तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके इश्क व मोहब्बत से मुतल अमूर जो है खासे फायदा मंद साबित हो सकेंगे और हालात में जज्बाती कैफियत जो है वो हावी रहेगी, यानी कि प्रैक्टिकली आप उस दिन जो है वो बिल्कुल अनफिट से होंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। प्यार मोहब्बत जज्बात और ये एहसास सारे लेके आगे बढ़िएगा, और लेकिन ऐसे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि आपको खासा एहतियात से काम लेना होगा, वरना जज्बात की जो शिद्दत है वो बंदे को नुकसान की तरफ ले जाती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 27 अप्रैल को कुछ नए कारोबारी माहदे जो है वो जरा और रहेंगे, 28 को आपको किसी करीबी साथी की वजह से खुशी हासिल हो सकेगी, 29 अप्रैल को किसी मुखलिस दोस्त का तामना हासिल कर पाएंगे, 30 अप्रैल को फजूल और मतलब प्रस्त दोस्तों से हत्या लोगों का मुलाकात से गुरेज कीजिएगा, 1 मई को मुलाजिम पेशा अफराज जो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे, 2 मई को शुरू किया जाए की सेहत का ख्याल रखना आप पे वाजिब होगा, 3 मई को कोई अहम खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जहां दिन है उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 मई, जबकि मनफी असरात के हम दिनों में कोई दिन शामिल नहीं है, यानी आपके लिए मौजूदा हफ्ते में जो है वो जरूरत से बढ़कर कुछ एहतियात करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारे शम्स 30 अप्रैल को नेपच्यून से 33 बनाएगा, जिसकी वजह से तजीन और आयश डेकोरेशन और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो मामलात हैं उन पर आपकी तवज्जो फोकस रहेगी, फैशन की तरफ जाएंगे, मीडिया की तरफ अगर कुछ लोग रागिब होंगे तो इंतहा कुछ होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा है कि अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इसी दौरान शम्स जो है वो 1 मई 21 बदतस्वामी इन फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उम्र के हवाले से आपके हालात खासा बेहतर बना सकेगा, जबकि आप कुछ अहम माहदे भी तय कर पाएंगे, और इसके अलावा जो जब करियर में आपके करियर में बेहतरी के मौके आपके सामने आएंगे तो उसके लिए वसाइल भी सिर्फ आप पैदा कर पाएंगे, यानी आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, रिसोर्सेज होंगे, आप अपने स्टूडेंट्स को अवेल कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा, 27 अप्रैल को कारोबार में माली मुनाफा का इम्कान है, 28 अप्रैल को समाजी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, 29 अप्रैल को नए माली मनसूबे बना सकेंगे, जबकि दोस्तों की तरफ से भी आपको खुशी मिल सकेगी या खुशी की खबरें आप तक पहुंच पाएंगी, 30 अप्रैल को आपकी जाती कोशिशें जो है आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगी, दूसरों को मेहनत एक तरफ आपकी अपनी जाती मेहनत एक तरफ, 1 मई को कारोबारी मिसाइल को बासानी हल कर सकेंगे, 2 मई को समाजी मसरूफियत आपकी बढ़ सकती है, सोशली थोड़ा सा एक्टिव होंगे और बागुल दौड़ से भी काम लिया जा सकता है या कुछ लोग आपको इंगेज कर देंगे और इस तरह से फिर आपकी समाजी जो मसरूफियत है वो बढ़ जाएंगे, 3 मई को फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतना आपके फायदे में रहेगा, लेकिन ये बात आप समझते हैं फजूल खर्ची करेंगे तो आप ही का लॉस है, किसी और का लॉस नहीं होगा। तो मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सात असरात के हामिल 29 और 30 अप्रैल, जबकि 1 मई भी सात असरात के दिन में हाथ आपके साथ है, ये 3 दिन आपके लिए खासे पॉजिटिव हैं इसके साथ, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए वो 3 मई का है, 3 मई को थोड़ा मामूल से बिल्कुल मुताब रहना होगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारा तारक 15 से 30 अप्रैल जायजे के नवे घर में रहते हुए बैरूनी मुल्क सफर और आला तालीम के हुसूल के लिए आपको मुतहर्रक रख पाएगा, जबकि 2 से 31 में अतारक जो है वो दसवां में होगा, यानी फाइनेंशियल हाउस में होगा, जिसकी वजह से उसकी जो पोजिशन है वो यकीन चेंज होगी पूरे महीने में, लेकिन 1 मई 19 जो है वो पॉजिटिव में होगा, मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में दूसरों से आगे बढ़ने के वसाइल भी मुहैया हो सकेंगे, आपको मौके भी मिल सकेंगे और कारोबारी माहदे भी आप मुमकिन बनाकर फायदा हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 27 अप्रैल को अपने काम के सिलसिले में आप मसरूफ रहेंगे, 28 को गुज़श्ता लम्हात जो हैं उनके बारे में, यानी अपने माजी के बारे में सोचने की जो सोचें आपके हावी हो सकती हैं उनको सोचने के बजाय अपने आने वाले वक्त की
منصوبہ بندی کیجیے گا، جس کی وجہ سے یقیناً کام کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک نیا جذبہ بھی جنم لے سکے گا، پیدا ہو سکے گا. 29 اپریل کو آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، مالی لین دین کرنے میں آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. 30 اپریل کو نئی سرمایہ کاری کے مواقع میسر آ سکیں گے. 1 مئی کو ٹیلی فون کالز اور خط و کتابت جو ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے خاص اہمیت کے حامل ثابت ہو سکیں گے. 2 مئی کو شادی بیاہ کے امور جو ہے آپ کے وہ آپ کے خاصی توجہ طلب ہوں گے، ان کی طرف توجہ دیجیے گا، ورنہ لاس ہو سکتا ہے یا ایسی کوئی قواعد پیدا ہو جائے گی جو کہ ان ٹائم آپ کے لیے دیگر مسائل کا سبب 22 بھی بن سکے گی. 3 مئی کو آپ اپنی روحانوی خواہشات کی جو پیار محبت کے جو آپ کے جذبے ہیں ان کی آپ تکمیل کر سکیں گے، تسکین کر سکیں گے، اپنے آپ کو پیسفل کر سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن وہ 27 اپریل، 1 اور 2 مئی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 3 مئی کا سامنا ہو سکتا ہے. اس دن میں احتیاط کیجیے گا، باقی 3 دنوں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مزید متحرک کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی